नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था से संबंधित टोटल क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। राज्य व्यवस्था का यह पहला सेशन जिसमें भारतीय संविधान के इतिहास बताया जाएगा। इसमें क्वेश्चन 1 से 24 तक कवर किया जाए। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि पसंद आता हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन से शुरू किया जाता है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, ऑप्शन नंबर ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन नंबर बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रदान किया गया था। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, सूरत विभाजन कब हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय यह कब हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, पूर्ण स्वराज का संकल्प किस साल लिया गया था। तो इसको अगर मिला लिया जाए तो सूरत विभाजन आपको 1907 ईस्वी में हुआ था। ओके, उसके बाद सांप्रदायिक विभाजन आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। बता दें आपको सूरत विभाजन हुआ था आपको 1907 ईस्वी में। ओके, सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हो गया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था आपको, हो गया था ये 1932 ईस्वी में। अधिनिर्णय कब हो गया था, 1932 ईस्वी में हो गया था। सर्वदलीय सम्मेलन ये हो गया था आपको 1928 ईस्वी में। ओके, अभी लास्ट बच गया पूर्ण स्वराज के संकल्प, यह कब हुआ था, पूर्ण स्वराज का संकल्प ये हुआ था 1929 ईस्वी में हो गया था। ओके, इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो से क्या करना है, इसमें सुमिलित करना है। ओके, तो इसको देख लिया जाए, अगस्त घोषणा यह कब हुआ था, अगस्त घोषणा आपको हुआ था मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, तो अगस्त घोषणा आपको हुआ था लॉर्ड लिनथिगो के शासनकाल में हुआ था। ओके, और अगस्त प्रस्ताव तो अगस्त प्रस्ताव आपको सॉरी एक का यानी अगस्त घोषणा कब हुआ था, तो अगस्त घोषणा हुआ था यह लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। ओके, और अगस्त प्रस्ताव हुआ था यह लॉर्ड लिनथिगो के शासनकाल में हुआ था। ओके, फिर अगस्त संकल्प कब हुआ था, तो अगस्त संकल्प हो गया था यह महात्मा गांधी ने करवाया था। ओके, उसके बाद लास्ट बच गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था, तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1773
73 ईस्वी में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गवर्नर जनरल की किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था, यानी अधिकार मिला था। ओके ऑप्शन नंबर ए 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, या फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1876 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को क्या मिला था, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, यानी महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया था। ओके ऑप्शन नंबर ए 1885 में, ऑप्शन बी 1875 में, ऑप्शन सी 1886 में 1866, ऑप्शन डी 1858 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1858 ईस्वी 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत के महारानी घोषित किया गया था। ओके नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, यानी महारानी विक्टोरिया द्वारा 1858 में बहुत सी घोषणा किया गया था, लेकिन नीचे के जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सी घोषणा को या आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ओके तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर वन हो गया कि रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या फिर भारत व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी देसी रेजवारों को यथास्थिति बनाया जाए रखेगी, केवल यही किया, यही इसी का पालन किया गया, ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेमुरलो सुधार का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मॉन्टेमुरलो सुधार का उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेमुरलो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉन्टेमुरलो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। ओके 9 में पारित किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन प्रमंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या फिर मॉन्टेमुरलो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, फिर मैंटो चेप्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉन्टेमुरलो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन प्रमंडल प्रारंभ में लाया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किसी बात की व्यवस्था की गई थी, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, या फिर ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, या फिर ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था की गई थी, या ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय व्यवस्था किया गया था। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बातों में। ओके 1909 एक्ट के में व्यवस्था किया गया था। ओके 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेयु चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, ऑप्शन नंबर ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रांतों के दोहरी शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान किया गया था, इसका सार यही था। ओके प्रांतों में दोहरी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी
ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सर रदरफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड एमरी। 1940 के कैबिनेट मिशन तीन मंत्री से जो गठित किया गया था उसमें यह सदस्य नहीं था। तो अब कौन कौन था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था और ए वी अलेक्जेंडर था तथा सर स्टेफन क्रिप्स था 1940 के कैबिनेट मिशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान की स्वीकृति का व्यवस्था किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना में नहीं था। ओके, जबकि कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या था, प्रांतीय समूहीकरण की व्यवस्था था उसमें बताया गया था, भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल यह भी बताया गया था, संविधान निर्माण का भी आधार बताया गया था, लेकिन पाकिस्तान के स्वीकृति के बारे में नहीं कहा गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी गई। ओके, ऑप्शन नंबर ए डुरंडो योजना, ऑप्शन नंबर बी माउंटो मिर्लो योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंटो बेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी बेवेल योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माउंट बेटन योजना के नाम से जाना गया है। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना था वो माउंट बेटन योजना के नाम से जाना गया। ओके, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है, यानी सुमेलित नहीं। ओके, मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथा, फिर भारत शासन, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 स्वशासन प्रथा, या फिर कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने संविधान संगठन किया था या नहीं, या फिर साइमन कमीशन भारत का विभाजन किया था या नहीं, कौन सुमेलित यानी कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी साइमन कमीशन भारत विभाजन द्वारा भारत विभाजन नहीं किया गया था, जबकि कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ओके, तब भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्वशासन स्थापना किया गया था तथा मार्लो मिंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, जबकि कौन साइमन मिशन भारत साइमन कमीशन द्वारा भारत का विभाजन नहीं किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो सूचियों से सूची दो को सुमेलित करना है। ओके, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 में इससे क्या प्रदान किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सती प्रथा कांत किया गया, या फिर मिंटो मार्लो सुधार 1919 प्रांत में दो शासन किया गया, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया, या फिर अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आए। तो इसका सूची मिलाना है, सूची ए से सूची एक से सूची दो को मिलाना है, इसको देख लिया जाए। भारत सरकार अधिनियम आ गया आपको, भारत सरकार अधिनियम 1919 आपको आ गया प्रांत में द्वैत शासन से आ गया। ओके, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। ओके, मार्लो मिंटो सुधार आ गया आपको सांप्रदायिक निर्वाचन से है। ओके, जबकि भारतीय परिषद अधिनियम आपको आ गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1886 द्वारा क्या किया गया था, सती प्रथा कांत किया गया था। ओके, जबकि अधिनियम 1858 में क्या गया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ओके, इस अनुसार इसका सही आंसर हो गया 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ
क्या स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, तो ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। क्या केंद्रीय द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? ओके तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया था, केंद्रीय द्वैत शासन को स्थापना किया गया था। ओके संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ऑप्शन डैश डैश द्वारा किया गया था, 1909 में किया गया था, या 1919 में किया गया था, या 1935 में किया गया था, इनमें से कोई नहीं किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 द्वारा किया गया था, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर ए 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1904 के अधिनियम द्वारा, या 1858 के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1935 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ओके 1919 क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट वीडियो भारत के संवैधानिक इतिहास का यह अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद अगला सेशन में फिर से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाए। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा, फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, या फिर मेंटोक्यू जेम्स फोर्ट सुधार अधिनियम द्वारा किया गया था। ओके तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा क्या किया गया था, भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि पसंद आता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें। थैंक यू।